थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। यस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इंस्टाग्राम के किसी भी स्टोरी को म्यूजिक के साथ अपने मोबाइल फोन की गैलरी में कैसे डाउनलोड कर सकते हो और उसे और किसी एप्लीकेशन पे कैसे लगा सकते हो। बहुत ही छोटी सी एंड सिंपल सी वीडियो होगी, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिना स्किप किए करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यस लाइक जरूर कर देना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई भी नया फीचर आता है उस वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। अब बात कर लेते हैं टॉपिक की। तो इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक कहीं आई बटन में आ रहा होगा, आप उस पर टैप करके उसे देख सकते हो। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू कैसे स्टोरी को डाउनलोड कर सकते हैं म्यूजिक के साथ, या फिर किसी वेबसाइट पे उस लिंक को कॉपी करके आप वहां से उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी स्टोरी को म्यूजिक के साथ सिर्फ इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन से ही डायरेक्ट अपने फोन की गैलरी में डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको चलना है अपने इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन पे। ये मेरा अकाउंट है राजचौधरी287, अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो इस अकाउंट पे फॉलो कर लो मुझे, क्योंकि आप मुझे यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप मुझे यहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो प्रोसेस की बात कर लेते हैं, स्टोरी को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक ऑल्टरनेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। आजकल सबके पास एक ऑल्टरनेट अकाउंट होता है, अगर नहीं है तो आप किसी फ्रेंड से पूछ सकते हो, उसका अकाउंट एक मिनट के लिए लॉगिन कर सकते हो। अगर नहीं तो आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही कम टाइम लगता है कि इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाने में। तो मेरे दो अकाउंट है, एक ये रहा राजचौधरी287 और एक मेरे पास दूसरा ऑल्टरनेट अकाउंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो फैक्टोलॉजिक्स का। अब मैं राजचौधरी287 पे आपको वापस लेके चलता हूँ, ये मेरा राजचौधरी का अकाउंट है। अब आपको एक स्टोरी जो आप डाउनलोड करना चाहते हो वो आपको पोस्ट नहीं करनी है, आपको एक ऑल्टरनेट अकाउंट जो भी आपका अकाउंट है उसको मैसेज करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फैक्टोलॉजिक अकाउंट मैंने आपको बताया था, तो मैं इसको एक मैसेज करता हूं, मैंने ऑलरेडी एक शेयर की हुई है जिसको मुझे किसी और स्टोरी पे लगाना था। तो यहां पे आपको जाना है, जो कैमरे का आइकन दिख रहा है आपको, तो इस पे आपको टैप करना है एंड कैमरे के आइकन पे आप यहां पे देख सकते हो वो पूरा स्टोरी वाला जो ऑप्शन है वही यहां पे आ गया, जैसे हम स्टोरी लगाते हैं। तो यहां पे आपको कोई भी स्टोरी जो भी आप फोटो के साथ लगाना चाहते हो, तो मैं एक स्टोरी लगा लेता हूं यहां पे, काइंड ऑफ मैं ये वाली स्टोरी लगा देता हूं यहां पे एंड इस पे मैं म्यूजिक लगा देता हूँ, आपको म्यूजिक लगा के दिखा देता हूँ। म्यूजिक जहाँ पे स्टिकर्स में जाते हैं एंड म्यूजिक, म्यूजिक आप कुछ भी लगा सकते हो, मैं ये वाला लगा देता हूँ। मैं आवाज कम कर देता हूँ कॉपीराइट की वजह से, तो मैं ये लगा लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे भी आप फॉर्मेट इसका चाहते हो, आप लिरिक्स चाहते हो या फिर आप इस तरह का फॉर्मेट चाहते हो, तो मुझे जैसे लिरिक्स लगाना है और लिरिक्स के लिए आपको पंजाबी में मैंने लगा दिए, तो इसको डन कर दो आप। अब डन कर दिया आपने, अगर मैं इसे यहाँ से डायरेक्ट सेव भी करता हूँ तो इस पे साउंड नहीं आएगा, राइट। मैं आपको गैलरी में दिखा देता हूँ, अभी सेव हो रही है वीडियो, सेव हो गई है, मैं आपको गैलरी में जरा दिखा देता हूँ अगर इस पे साउंड आता है कि नहीं आता है। देखिए नहीं आ रहा है इस पे साउंड, सिर्फ लिरिक्स आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको उसी स्टोरी में जाना है, वॉल्यूम मैं दोबारा से कम कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे व्यू वंस करके, व्यू वंस यानी कि अगर मैं स्टोरी को किसी को भेजता हूँ तो वहाँ पे वो स्टोरी एक बार जाएगी एंड वो वापस से डिसअपियर हो जाएगी। अलाउ रीप्ले यानी कि वापस जाएगी एंड रीप्ले कर सकता है ओनली, जैसे स्नैपचैट पे होता है आपको पता है, एक बार रीप्ले कर सकता है और उसके बाद वो अगेन डिसअपियर हो जाएगी। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ऑप्शन रखना है, कीप इन चैट। कीप इन चैट का ऑप्शन आपको दिख गया होगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं कोई और कोई फोटो आपको लगा के दिखा देता हूँ, इसे मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कीप इन चैट। अब यहाँ पे गाना भी लगा देता हूँ वापस से, म्यूजिक यही गाना था, राइट। अब आपको इसे लगा लेना है, लिरिक्स आ रहे हैं जो भी आपको लिरिक्स रखने हैं, राइट, डन कर दो यहाँ से। अब आपको ऑप्शन रखना है कीप इन चैट, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कीप इन चैट, एंड अब आपको इसे सिंपली सेंड कर देना है। आपने यहाँ पे सेंड कर दिया है, जो मेरा इस फोन में मेरा दूसरा अकाउंट लॉगिन है उस पे चली गई होगी ये स्टोरी। अब मैं आपको वहां से इसे डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, तो उस अकाउंट पे स्विच कर लेते हैं, मैंने स्विच कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे को आ रखी है वो वीडियो, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको यहाँ से सिंपली इसे प्ले करना है एंड यहाँ पे आ रही होगी, देखो गाने के साथ आ रहा होगा, राइट, वॉल्यूम मैंने करके दिखा दिया। अब आपको इसे सिंपली सेव कर लेना है, ऐसे इस पर टैप करो एंड सेव ऑप्शन आपको आ रहा है, सेव कर लिया वीडियो सेव। अब मैं आपको इसे गैलरी में जाके दिखा देता हूँ, गैलरी में अब ये म्यूजिक के साथ आ रही होगी, यही थी,
राइट, म्यूजिक आपको सुन लिया, वॉल्यूम कम कर दिया कॉपीराइट की वजह से। अब आप चाहे इसे किसी भी स्टोरी पे कहीं भी शेयर कर सकते हो, मैं इसे व्हाट्सएप पे भी लगा सकता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट्सएप की स्टोरी पे भी इसे सेव कर सकता हूँ, और जहाँ भी आपको शेयर करनी हो कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था, आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप बिना किसी एप्लीकेशन या बिना किसी वेबसाइट के किसी भी इंस्टाग्राम की स्टोरी को अपने मोबाइल के फोन की गैलरी में डाउनलोड कर सकते हो। अनुसी के साथ साथ आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, इफ यस तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट, कोई भी नया फीचर आता है मैं उस पर वीडियो बना के आप लोग को इन्फॉर्म करता हूँ, कोई भी नई और अच्छी एप्लीकेशन आती है मैं उससे रिव्यू करता हूँ। थैंक यू सो मच।